सुखायु कर्माणि करोति लोको न त्वयि सुखम् बान्यादुपरमं वा बिन्देतु भूयोस्ततो एव दुःखम् जदत्र युक्तं भगवान् वदन्यो सुखाय कर्माणि करोति लोको न त्वयि सुखम् बान्यादुपरमं वा बिन्देतु भूयोस्ततो एव दुःखम् जदत्र युक्तं भगवान् वदन्यो। गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, हमारा ये जिंदगी में बहुत सारे सुख और दुख का सामना करना पड़े हम लोगों को, ये सब भगवत कृपा मान के इसमें संतुष्टि रहना जरूरी है। ये जीवन जिंदगी में बहुत सारे दुख आने वाला है, ये सब दुख कष्ट जितना सारे हमारा जिंदगी में उपलब्ध होता है, सबको भगवान का करुणा भगवान का कृपा मानकर संतुष्ट रहना चाहिए। वास्तविक रूप ये है, पोपा जी कहते हैं जे अक्षज और अधक्षज दो शब्द है, ये अधक्षज और अक्षज शब्द है, इसी में सारे मुसीबत है पब्लिकों का समाधान, जितना सारे आदमी हैं जितना सारे लोग हैं सबका इसी में समस्या है समझने में, क्या अधक्षज वस्तु है क्या अक्षज वस्तु है ये समझ नहीं पाते। अधक्षज वस्तु का सेवा करने से ही संसार बंधन का नाश हो सकता है, अधक्षज वस्तु का सेवा किए बिना संसार का क्षय होना संभव नहीं। अक्षज वस्तु मतलब जो क्षयवान क्षयशील जिस सब वस्तु क्षयशील नाशवान है, ये सब वस्तु का सेवा करने से अर्थात माया का सेवा करने से बंधन तो जरूर बंधन से छुटकारा मिलने का कोई रास्ता ही नहीं। अधक्ष जो वस्तु एक अद्वितीय है, अधक्ष जो वस्तु का व्याख्या श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने किए हैं संदर्भ में, ये अधकृत अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रिय जो ज्ञानम जैन इति अधक्ष, अधकृत अक्षज ज्ञानम, अक्षज मतलब नासमान जगत का जितना से विद्या बुद्धि ताकत तमाम बाजी लगाने का बाद जो तत्व को जानना संभव नहीं है, जो तत्व अपना स्वयं निज महिमा सौ महिमा में हर वक़्त अपना सौ महिमा में स्थित है, जिसको बाहरी कोई ताकत नहीं है जिसको हिला सके, सराट वस्तु सौ महिमा में स्थित है और जितना सारे हमारा तरफ से मेटेरियल एफर्ट जड़ जगत का पैसा का ताकत बुद्धि का ताकत विद्या का ताकत जो कुछ भी है सब हम लगा देते हैं, जिसको परात्पर अखिलेश्वर अधक्षज वस्तु जिसको नीचे फेंक दे, नीचे फेंक के अपना महिमा में सदा सर्वदा स्थित है, इसका नाम है अधक्षज वस्तु। अधक्षज वस्तु अपना स्व महिमा में हर वक्त स्थित है और ये जो अप्राकृत अधक्षज वस्तु इनका इनके सेवा करने से पूरा संसार बंधन का मुक्ति और संसार बंधनी
मुक्ति ये सबसे बड़ा चीज नहीं है। संसार बंधन से मुक्ति हो गया तो मुक्ति हो गया क्या हुआ? मुक्ति का जो अर्थ है संसार समाज में आदमी समझता है मुक्ति मतलब कोई कष्ट दुख नहीं मिले, ये मुक्ति मानते हैं। लेकिन गौड़ीय समाज का जो सिद्धांत है इसमें, गौड़ीय समाज का जो सिद्धांत है इसमें मुक्ति का अर्थ है मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति, अर्थात जीवों का अपना स्वरूप में स्थित होना यही मुक्ति है। स्वरूप क्या है? जीवों का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, अर्थात भगवत सेवा करना ही जीवों का काम है, इसमें स्थित हो जाए तो यही असली मुक्ति है। लेकिन मायावादी और आदर्श संप्रदाय जो अलग अलग भुक्ति मुक्ति का विश्वास रखने वाले, ये लोग मानते हैं कि कष्ट दुख जो दुनिया में जन्म लेने का बाद जो कष्ट दुख हो इससे दफा हो जाना, इससे छुटकारा पाना ही मुक्ति है। इसके छुटकारा पाने से निर्विशेष मुक्ति है। कष्ट दुख से मुक्ति मतलब माया से मुक्ति मिलने का जो प्रयास है, तीनों गुण ये सत्व रजो तमो गुणों से मुक्ति मिलने का है, ये मिलने का बाद तो इसका बाद क्या काम है? इसका कोई हिसाब है? तो ठीक है, हम मुक्ति मिल गया हमको, मुक्ति मतलब ये लोग समझते हैं कि जड़ जगत का जो दुख और कष्ट है इससे परे हो जाना, फिर उसका बाद क्या करोगे? प्रभुपाद कहते हैं कि ठीक है मुक्त, उसका बाद क्या करोगे, क्या डिसीशन है? ये मुक्ति तो मायावाद निर्विशेष मुक्ति, कुछ करना नहीं है, कुछ पैसिव अवस्था में रह जाए, ये मुक्ति तो कोई काम का नहीं। तो मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित मुक्ति, ये तो बहुत दूर की बात। धर्म अर्थ क्या मक्षो, ये जो चारों जो लगाते हैं पुरुषार्थ हो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें मोक्ष भी सुदुर्लभ है, वो तो मांगता ही नहीं हुई। धर्मो अर्थ काम, धर्मो भी तो वो साधारण धर्म जो है, मानव जो भागवत धर्म है उसका बात तो किसी का पता ही नहीं। जो धर्म अर्थ काम, थोड़ा बहुत ऐसा काम करे जिससे हमारा स्वर्ग प्राप्त हो जाए, कुछ प्राप्ति हो जाए, ऐसा वैसा मिल जाए, सब ये भावना है। तो धर्म और तो काम, और काम जो है वो भी इतना घटिया तरह से ये लोग भोगना चाहता है। जब रावण कुंभकर्ण का जमाना था उस समय भी काम तो हर वक्त है ही है, लेकिन उस जमाने में काम को भोगने का भी एक तरीका था। आप तो कुत्ता बिल्ली से भी नीचे चला गया आदमी, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। रावण कुंभकर्ण का टाइम में, जरासंध का टाइम में, वो भी कोई नियम नीति था, भोगने का भी कोई तरीका था। अब ये भी पार करके कुत्ता बिल्ला से भी नीचे एकदम हालत खराब, ऐसा। तो धर्म अर्थ काम, अभी टारगेट ऐसा हो गया, धर्मो तो छोड़ दो, क्या धर्म, क्या अधर्म, क्या करे, बेकार की चीज है। अर्थो और काम ये दोनों ही लगा हुआ है, अर्थो क्यों करो, काम भोग के लिए, काम क्यों करो, अर्थो कमाने के लिए, ये दोनों बच गया, बाकी सब खत्म। यहां जो है सुखायो कर्माणि करोति लोकः, ये तो पक्का बात है। आदमी क्यों करता है काम, इतना काम धंधा परिश्रम पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी देखो, उसका पीछे एक टारगेट है, जब सुख को प्राप्त करेंगे और अपना जिंदगी में दुख नहीं रहे, ये काम है। सुखाय कर्मानि करोति लोको,
लेकिन अगर तकदीर खराब है तो ये करने जाए फिर भी सुख तो मिला ही नहीं, उल्टा दुख मिल गया, क्योंकि नसीब में है, जो नसीब में लिखा है वही तो मिलने वाला है। अपना प्रयास प्रचेष्टा पुरुषाकार के द्वारा तुम चेष्टा तो कर सकते हो। प्रहलाद महाराज जी अपना दोस्तों को असुर वालों को कहते हैं ये हर जन्म में ये जो विषय सुख मिलते रहता है, हे दोस्तों हर जन्म में ऐसा विषय का भोग, विषय का प्राप्ति, विषय का एंजॉयमेंट से ये तो लगे रहता है, इसका कोई ठिकाना नहीं, ये चलते रहते हैं। इसीलिए आप लोग अगर प्रहलाद महाराज कहते हैं अगर तुम सब मिलकर ठाकुर जी का भजन करो तो इसमें भलाई है, ऐसा करके प्रहलाद महाराज जी अपना दोस्तों को, स्कूल का सहपाठी दोस्तों को बोल रहे हैं। और ये जो श्लोक है इसमें सुखाय कर्माणि करोति लोको नोतोई सुखम बान्यदु परमं भा बिंदित हुयस्ततैव दुःखम्। सुख मिलने के लिए प्रयास प्रचेष्टा किया लेकिन फिर भी उल्टा हो गया, दुख मिला, ऐसा होना ही है इस संसार में। पंच पांडवों का जीवन में देखा जाए तो दुख ही दुख। अब ये प्रश्न होता है जिसका पक्ष में ये हमारा पितामह भीष्म जी द्वादश महाजनों में एक प्रधान महापुरुष ये भी कहते हैं कि जिन जिन पक्ष में अर्थात युधिष्ठिर महाराज जो कह रहे हैं कि जिसका पक्ष में स्वयं ठाकुर जी है उसका कष्ट, ये क्या बात है, ये हमारा हमारा चेतना को विकास करने के लिए ऐसा प्रश्न किया गया। क्योंकि अक्सर हमारा ये विचार है ये ठाकुर जी है हमारा सप्लायर, ठाकुर जी इज आवर सप्लायर, जो लगेगा हम आपने बोला ना विदधाति कामानो जो जो मांगे हम देते रहे ठाकुर जी, और सप्लाई बंद हो गया तो दुश्मन है बदमाश, क्यों पूजा करे धोर बेकार। सुख संपत्ति आए घर का, कष्ट मिटे तन का, तब जगदीश्वर जय जगदीश्वर, नहीं तो पांच पैसा भी फूटी करी भी खर्चा करेंगे तैयार नहीं। ये अगर फॉर्मूला मिले तो ठीक है, सुख संपत्ति आए घर का और कष्ट मिटे तन का तो फिर जय जगदीश हरे, नहीं नहीं तो जय जगदीश निपट जाओ, ये हमारा फॉर्मूला है। हम समझ के बैठे हैं कि ठाकुर जी मेरा सप्लायर है, पूजा क्यों कर, किस बात का करना है, तो कुछ नहीं दिया तो क्या प्रॉफिट है। तो दुनिया का आदमी बिजनेसमैन है, सामे तमाम सब शुद्र भाव सब इसका अंदर में सब ऐसा ऐसा तरह तरह का विचार बना के बैठे हुए हैं, सब कंटामिनेटेड। हमारा ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं, हमारा अपना सुख का विचार है। और पंच पांडव जो है, पंच पांडव कोई साधारण आदमी नहीं, पंच पांडव ठाकुर जी का पार्षद, और इन लोगों को लेकर ठाकुर जी दिखा रहा है कि देखो पितामह भीष्म हमको सिखाने के लिए बोल रहा है, देखो जिस पक्ष में जिसका सहारा है ठाकुर जी स्वयं उसका जीवन जीने के में इतना दुख है, क्या बात है, हैरान की बात है, हैरान की बात नहीं है। वही बात तो शुरू किया ना प्रभुपाद जी ने बताया, हमारा जीवन जीवन जिंदगी में जो कुछ सुख दुख आ रहा है उसको ठाकुर जी का ही कृपा मान के चलो, मान के चलो ना, निश्चय करके चलो, निश्चय करके चलो, एक ठाकुर जी का कृपा अन्य व्यतिरिक रूप में कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्टली भगवान का कृपा ही है, दुख को कृपा ना माने। आप भगवान को रसमय बोलते हो
माधुर्य आस्वादन करने के लिए भागते हो, तो ठाकुर जी का जो अगर रसो वैसो अगर ठीक है, रस का पूरा आकर है ठाकुर जी, तो ठाकुर जी का एक पोर्शन करवा है, एक पोर्शन तीखा है, एक पोर्शन मीठा है, ऐसा हो सकता? एक राजभोग का रसगुल्ला का ऊपर का पोर्शन मीठा है, नीचे का पोर्शन करवा है, कैसे हो सकता? ये झूठा विचार है, गलत फहमी है। तो ठाकुर जी रसमय है तो ये पक्का है, एकदम उपनिषद का वेदांत का ये निश्चय है, ठाकुर जी रसो वैश निश्चितमेव रसो का स्वरूप है। लेकिन हमारा पता नहीं कि रस किस तरफ है, कैसे है, कहाँ से मिलना है, इसीलिए उल्टा सीधा हो रहा है। पंचों पांडवों का जिंदगी में दुख होनी नहीं चाहिए था, ठाकुर जी जिसका पक्ष में है, फिर भी ठाकुर जी अपना भक्त कैसा होता है दिखाने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयारी कर दिया। दुख ही दुख, कुंती देवी का जिंदगी में दुख छोड़कर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, हर वक्त दुख। और फिर भी अंतिम में जो अनुकूल परिवेश मिल गया, तो कुंती देवी बता रही है कि हमको दुख दो। अरे दुख दो मन, सारे समस्या समाधान हो गया, हम चले अभी, ठाकुर जी कह रहे हैं बोले अभी तो असली मुसीबतें शुरू होगी, असली समस्या जो है अभी तो इसका यू नो शुरुआत। क्या कहना चाहती हो? बोले आप तो आप हमको दुखी देख के बार बार दर्शन दिया करते हो, आते हो, उद्धार करते हो, अब हमको पुतली देख के खेल खिलौना देख के हमको आवा भाग रहे हो, अब तो असली दुख से शुरुआत है। कुंती देवी कह रही कि हमको दुखो चाहिए, हमको आपको और दुखो दे दो। और कोई पागल है जो दुखो मानता है जिंदगी में? पंचपांडव का जिंदगी में इतना जो कष्ट है, इसको देख, इसको जो ये जो व्यवस्था बचपन से लेकर पिताजी गुजर गए, इतना अत्याचार, इसी में भी कभी विष दान करे, कभी जादूगृह में आग लगा दे, कुछ कर दे, सब करने का बाद भी पंचपांडवों का बुद्धि स्थिर है, क्योंकि भगवान भगवत चरण में स्थिर है। जिसका विचार बुद्धि लगन भगवान का चरण में स्थित हो गया, उसका लिए तो कोई मुसीबत है ही नहीं। विदुर जी का लिए क्या मुसीबत है, कितना अपमान किया दुर्योधन ने, ये हो सकता है ये भी ठाकुर जी का एक कृपा है, हमारा मंगल के लिए हुआ। लेकिन ये बोलने में सहज है, अनुभव करने में बहुत कठिन है, बहुत। जो भी है छोड़ो, अभी जो स्थिति है, ये कुरुक्षेत्र का युद्धों का शुरुआत है, काल बहुत सारी चीज बताएं, और उसमें ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म पांचों वर्णन कर दिए, और ईश्वर सर्वज्ञ जीव अल्पज्ञ सतरजतम, ये तीन गुणों का आधार जो है ये प्रकृति, एक मैटर द्रव्य जड़ विषय, त्रिगुण वर्जितो जड़ो दब्बो ये काल है, त्रिगुण वर्जितो जड़ो दब्बो काल भी मैटर समय जो है, क्योंकि अप्राकृत जगत में प्राकृत काल का कोई स्पर्श नहीं है। अप्राकृत जगत में प्राकृत जगत का जो काल है, टाइम फैक्टर है, वहाँ बिल्कुल उस चलेगी नहीं। जीव प्रकृति काल और कर्म ईश्वर का अधीन है, ये मान के चलो, जीव ईश्वर का अधीन, प्रकृति ईश्वर का अधीन, काल भी ईश्वर का अधीन, और कर्म जो है जिसको जीवों का नसीब माना जाता है, तकदीर, ये यू नो जीवों का जो कर्म है ये भी
कर्म भी ईश्वर का अधीन है, लेकिन एक बात पक्का है, अनादि कर्म फले परि भवार नव जले ना देखी है ना तरी बारे ना देखी उपाय। अनादि कर्म फले कर्म का अनादि है, इसका कब शुरुआत ये जीवों का जिंदगी में इसका कोई ठिकाना है नहीं, लेकिन फिर भी कर्म शांत अर्थात अंत होने वाली, कर्मों का अंत होना ये कोई असंभव नहीं कि साधु संतों का संग हो गया, साधु संतों का संग हुआ ब्रह्मांड भमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। साधु महात्मा का संग हो गया तो कर्म का विनाश होना कोई बड़ा बात नहीं है, ये हो सकता है क्योंकि कर्म जड़ वस्तु है और जीव अपना चिन्मय स्वरूप को अनुभूति में लाए अनुभव करे उसका बात उसका तो छुटकारा है, वो समझे कि ठाकुर जी का भजन ही मेरा कर्तव्य है। जीव चित स्वरूप चिन्मय स्वरूप सुख दुख जो है उसका कोई ताल्लुकात ही है नहीं, ये ताल्लुकात ही जैसे उदाहरण भागवत में दिया गया जे चिन्मय आत्मा का साथ सुख दुखों का क्या ताल्लुक है, बोले कुछ भी नहीं, बल फिर रो रहा है क्यों, बोले यही तो बात है, हैरान का बात तो यही है कुछ ताल्लुकात है ही नहीं फिर भी रो रहा है क्योंकि माया के द्वारा अभिभूत है प्राकृतिक गुणों के द्वारा। भागवत जी महापुराण उदाहरण है जैसे एक पेड़ एक तालाब का सन्निकट एक बड़ा पेड़ ताल का नारियल का पेड़, और सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो ये एक हवा का झोंका आया और पानी जो है पानी हिलना शुरू कर दिया, हिलने का साथ साथ जो आदमी पानी का ओर देख रहा है वो देखेगा वो क्या देखे, मेरी ये जो पेड़ है वो भी हिल रहा है ऐसा ऐसा करके, ठीक एग्जैक्ट यही उदाहरण दिया गया। तालाब का सहारे में जो नारियल का पेड़ है वो तो हिलना को संभव ही नहीं, लेकिन पानी का संचालन प्रबल वायु के द्वारा पानी का संचालन के द्वारा ये जो हिल रहा है पानी, इसमें वो जो वृक्ष है ये भी हिलना शुरू कर दिया देख रहा है, असलियत में नहीं है। ये उदाहरण दिया कि सुख दुख का साथ कोई ताल्लुका है ही नहीं जीवों का, लेकिन ये भोगत रहा है। काल इस विषय में और चर्चा करें, सुख दुखों का साथ कोई संबंध है नहीं फिर भी ये बड़ा भारी विपत्ति में है, चिंतित है, कभी सुखी कभी दुखी यही चल रहा है। पद्म पुराण ही में ये पक्का करके बताया गया जे समद भागवत गीता को गीता जी एकदम अच्छी तरीके से अध्ययन करो गुरु वैष्णव का अनुगत्य में, ऐसा ही गुप्त बात है नहीं तो अकेला कुछ नहीं समझ आता। एंड दूसरा शास्त्रों आदि का कोई जरूरत है नहीं कोई, क्योंकि पूरा ये शास्त्रों शरणागति तक पहुंचा दे अंतिम में, और शरणागति अंतिम चीज है, शरणागति के बाद जब शरणागत हो जाए तो ऐसा कुछ चीजें नहीं बचता है कि समझ में नहीं आता है। जस्मिन गत्ते सर्वमिदम विज्ञातम भवति, जो उसको प्राप्ति करने का बाद जानने का बाद किसी चीज का जरूरत है नहीं, सेटिस्फेक्शन आ जाता है, ये जरूरी है समझना जरूरी है। पद्म पुराण का ये जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रितः, ये चीज है। और ये सुख संपत्ति जो है ये तो शरीर का साथ और जड़ो मन का साथ रिलेटेड है, आत्मा जो हमारा अंदर में है इसका खबर ही नहीं है किसी का, बात है तो है नहीं है तो नहीं है, क्या आता जाता सब नास्तिक जैसा विचार बना के बैठा है।
इसमें इसका विचार है, लोगों का विचार है कि ऋणम कित्वा घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जियोगे खाओ पियो जियो, यही फॉर्मूला है। जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कित्वा घृतम पिबेत। अरे उधार कर लो, करके घी पी लो और मर जाए तो मर ही गया, कुछ नहीं है, बचा कुछ नहीं, इसका बात कुछ है। ये है एकदम नास्तिक विचार। और याज्ञवल्क्य जी जब संसार छोड़ के प्रस्थान करने का रास्ते पे हैं, और दो पत्नी याज्ञवल्क्य जी कह रहा है कि आप ये संपत्ति जो है हमारा भाग करके ले लो, भाग करके आप ले लो। एक कात्यायनी और एक क्या है भूल गया, याद है, ओ आप भाग करके संपत्ति आप ले लो, हम तो प्रव्रजा है, प्रव्रजा ले रहा है। तो दोनों पत्नी एक एक करके प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रश्न कर रही है कि आप जो संपत्ति दे के जा रहे हो, इसमें क्या हमारा परम सत्य वस्तु के मिलने वाला है क्या? गार्गी और कत्यायनी याज्ञवल्क्य जी हैरान होके विचार कर नहीं उत्तर दिया, दे इसके द्वारा तो संपत्ति परम सत्य वस्तु जो अमृतमय जो वस्तु है, अमृतमय भगवान, एक इसको प्राप्ति करना संभव नहीं है। आप जो चीज दे के जा रहे हो, क्या इसी संपत्ति से वो आप प्राकृत जगत का वो जो विषय जो है अमृत है वो प्राप्त करना संभव है? याज्ञवल्क्य जी अगर कह रहे हैं कि नहीं, इसके द्वारा तो वो संपत्ति नहीं मिलने वाला है, तो गार्गी करता है नहीं कह रही है तो जिसके द्वारा ये संपत्ति नहीं मिले वो क्यों दे रहे हैं, बेकार क्यों दे रहे हैं? जेना हम अमृत नमस्नु थे तेना हम किम कुर्जम, जिसके द्वारा हम वो संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकती, इसको लेके हम क्या करें? जेना हम न अमृत मस्नु थे तेना हम किम कुर्जम, इसके द्वारा हमें क्या कर, हम लोग क्या करना है? अर्जुन का सामने अभी भरी बड़ा भारी विपत्ति, युद्ध क्षेत्रों में युद्धों का शुरुआत होने जा रही है। शंख ब्यूगल सारे एकदम धनी सत्कार हो गया, हो चुका। अभी इसी समय के अंदर जिस समय अर्जुन का कहने से ठाकुर जी रथ को लेकर बीच में खड़ा कर दिया, इसी समय आपत आ गया, बहुत मुश्किल। और कह रहे हैं कि हम तो युद्ध नहीं कर सकेंगे, देख के हैरान हो गया। चारों ओर हमारा सगे संबंधी है, बाप दादा है सब, पर दादा सब क्या करे, हम तो लड़ाई नहीं कर सके। जिसका लिए संपत्ति का जो सारे जायदाद संपत्ति सब, किस लिए काल ये श्लोक को उठाया था, आत्मा व आरि द्रष्टव्य स्वतव्य निधि ध्यासितव्य, जिसके खातिर आत्मा अगर नहीं है तो शरीर कौन काम का है, ये शरीर कौन काम का है, प्यार कौन करेगा किसको? आत्मा अगर आत्मा को प्यार करे तो उसमें जड़ शरीर का को तो कोई अटैचमेंट होनी नहीं चाहिए। आत्मा है तो सब कीमत है, आत्मा नहीं है तो किस काम का है, कोई दुनिया में कुछ नहीं है, आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है। इतना लड़ाई, ये हमारा मैं तेरा तेरा देख लूं, ये सारे बात जो है आत्मा है तभी चल रहे।
आत्मा नहीं है तो डिटेस्टेड हो जाएगा, दुनियादारी का चीज क्या है। काल ये बता रहा था बहुत सारे ढेर सारी संपत्ति है लेकिन भोगने वाला कोई नहीं। हीरा मोती का जेवरात का तब दाम है, तब कीमत है जो आत्मा है। आत्मा का खातिर वैल्यूएशन है ना, आत्मा का खातिर मैया बेटिया रानी को प्यार करती है। आत्मा है तो ये बीबी स्वामी को प्यार करती है। आत्मा है तो गोल्ड का इतना वैल्यूएशन है, सारे इकोनॉमी जो है आत्मा का खातिर। ये जो हीरे का इतना कीमती है, आत्मा का दुनिया में नहीं है तो हीरे कौन क्या काम का है, कोई काम का है? पड़ा रहे तो पड़ा रहे, उसका कीमत कौन वैल्यूएशन करे। तो आत्मा का खातिर सारे मूल्यवान है, कीमत है। आत्मा गया तो कुछ नहीं, ये बात को पहले समझनी चाहिए। और अर्जुन का जो सारथी बन के ठाकुर जी स्वयं बैठे हैं, ये सारे ऋषिकेश, इसका नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब है तमाम इंद्रियों का कंट्रोलर, ऋषिकेश तमाम इंद्रियों का संचालन उसका मालिक वो ठाकुर जी स्वयं है। ठाकुर जी केवल मात्र अर्जुन का रथ का सारथी ऐसा कोई बात नहीं, तमाम जीवों का, जितना सारे जीवों, समग्र जीवन जिंदगी हमारा जो है इसमें परमात्मा का रूप से ठाकुर जी बैठा हुआ है रथ। ये शरीर जो है रथ है और ठाकुर जी जो है वो कोचवान चला रहे हैं रथ को, गाइडेंस जिसको प्रचोदयात बोल के हम सुबह के टाइम में ठाकुर जी के दुआ मांगते हैं, ठाकुर जी हमको चलाओ ठीक से। अगर ऐसा प्रार्थना करे तो हो, ना प्रार्थना करे फिर भी क्या, कौन देखने जा रहा है, कोई अन्य करे ना करे, अरे दीक्षा तो ले लिया और क्या। ऐसा ही है हमको कोई आदमी, महाराज रोज अन्य करना जरूरी है, और छागल का पट्टा कैसा उल्लू है, बोले रोज अन्य करना क्या जरूरी है क्या? जरूरी है क्या माने, खाना जरूरी है, सब जरूरी है, ये जरूरी नहीं है छागल। ऐसा विचार बुद्धि है, सब भजन में लगे हुए है। हाँ महाराज हम भी भजन करते हैं, सब भजन करते हैं, सब पूरा दुनिया भजन कर रहा है, एक हम ही है भजन नहीं कर रहा, निकम्मा फालतू बातें बात करते रहते हैं। ये गीता का अधिकारी कौन है? गीता का जो ज्ञान का प्राप्ति करने का अधिकारी कौन है? इसमें शास्त्र में बताया गया श्रद्धालु, जिसका बेसिक श्रद्धा है, श्रद्धा मतलब शास्त्रों वचन में गुरु विष्णु में विश्वास है, श्रद्धालु और स्वधर्मनिष्ठ। स्वधर्मनिष्ठ जो अपना अपना अधिकार का अनुसार जो कर्म का निर्णय है उसी में निष्ठ, बस ठीक है। और जितेंद्रिय होने से और अच्छा है, जितेंद्रिय ये ज्ञान का परिपूर्ण, संसारी होने से भी जितेंद्रिय हो सकता, ऐसा नहीं कि संसारी, संसारी संसारी जीव ज्यादा जितेंद्रिय है। संसार में जितेंद्रिय भाव का इतना राइट एग्जैक्ट एप्लीकेशन हो सकता है ठाकुर जी का सेवा के लिए, ये भी जितेंद्रिय हो सकता। ऐसा करके अधिकारी का निर्णय भी है। और यहाँ कुरुक्षेत्र युद्ध में ठाकुर जी अर्जुन का सारथी है, ये तो अर्जुन शोको संविघ्न मानसहा, अर्जुन का एकदम हृदय हिल गया शोक दुख के द्वारा। और इसको संभालने के लिए ठाकुर जी गीता का प्रवचन किए, शोको संविघ्न मानसहा, और अर्जुन किंग कर्तव्य विमूर अवस्था, और क्या करे नहीं करे इसका कोई निश्चय नहीं हो रहा है, क्या ठीक होगी, क्या करना उचित होगी। अर्जुन का स्थिति है, युद्ध का जो क्षेत्र है, सेना विन्यास स्ट्रैटेजी, उसको दर्शन करने का बाद ये तो विवश होके बैठ गया, बोला हमको
हृदय में जलन उपस्थित हुआ है, एकदम डर के मारे रोमांच हो गया, क्या हो रहा है, जलन अनुभव हो रहा है, सारे हमारा तक है, त्वचा जल रहा है, गांडी रखा नहीं जा हाथ में, गिर रहा है, गांडी को संभालना भी संभव नहीं है, मस्तक मन तमाम घूम रहा है। अभी अर्जुन का अंदर में वीर रस होनी चाहिए, अभी वीर रस को चेंज होकर करुण रस पैदा हो गया, मानो कि लगता है ये जो है एक धक्का लगाने से वो गिर जाएगा, कुछ हिम्मत नहीं है, अपना पूरा हौसला खो बैठा, पूरा कुछ नहीं है, तू जो इतना बड़ा वीर है, योद्धा है, इसे भूल गया और प्रवचन करना शुरू कर दिया, हम युद्ध करना हमारे लिए संभव नहीं है, हमको जय नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, भोग का लिए मेरा बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, हम जीने का भी इच्छा नहीं रखता। अरे क्या हुआ, जीने का भी इच्छा नहीं है, क्या बात हुआ, बोले क्यों, बोले ये लोगों को ले गई तो हमारा जिंदगी है, ये रिश्तेदार सगे संबंधी है तब तो हमारा ये राज्य राजधानी संपत्ति भी सब, तो इसका क्या वैल्यू है, ये अगर मर गया तो हम क्या करें, बातें बोलने का भी शक्ति खो गया, खो बैठा। इस अवस्था में मुसीबत को देखकर अब ठाकुर जी अपना प्रवचन शुरू किया। ये थोड़ा पहले जो है, ये पहले का जो श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो श्लोक है, इसका विचार बनाओ आप, देखो ठाकुर जी का जो प्रवचन है तो शुरू होने वाला है, ठाकुर जी शुरू करें, लेकिन इसका पहले जो है ये बैकग्राउंड चल रहा है, ये बैकग्राउंड चल रहा है, वैष्णव गोस्वामी धृतराष्ट्र जी क्या बताए, फिर उसका बाद उसका जो संग है गवल्ग मुनि का पुत्र है संजय क्या बता रहे हैं, क्योंकि संजय गवल्गन ऋषि का पुत्र है, एकदम पावरफुल, और धृतराष्ट्र जी को व्यास जी व्यास द्वैपायन व्यासदेव जी कहा कि बोला हम तो अंध है कैसे क्या समझे, बोले ठीक है आपको आंखें दे दे, आप युद्ध क्षेत्र में जो जो होना है हम दिव्य चक्षु को आप प्राप्त कर लोगे, और उसके बाद देखोगे, बोले नहीं नहीं हमको दिखना नहीं आएगा, हमको देखना मुश्किल है क्योंकि युद्ध क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा और काटा पीटी है, उसको हम नहीं देखेंगे, वो तो क्या किया जाए, बोले ऐसा व्यवस्था करो जिसमें हमारा श्रवण हो जाए, वरना रिले रिले रिले, जैसे हम कुरुक्षेत्र में युद्ध में क्या हो रहा है ये और हमको पता चले, बस इतना ही काफी है। तो हमारा वेदव्यास जी महाराज संजय अर्थात गवलगन ऋषि का पुत्र को वरदान की कि तू युद्ध क्षेत्र में जो भी होने जा रहा है सबको तो दिख पड़ेगा, तुम देख सकोगे, और देखने का बाद तुम्हारा मालिक को अर्थात वो जो धृतराष्ट्र जी इसको बताते चल, हैं ठीक है, ठीक है। और इसी में पहला शुरुआत है, ये भी बड़ा चमत्कार है, इसमें भी ध्यान लगाओ, धृतराष्ट्र उबाचो, मतलब धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युधुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किन कुर्वतो धन संजय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समो भेता जुजुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वतो संजय। ये प्रश्न, अब ये प्रश्न है धर्म क्षेत्र क्यों बोला, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, धर्म क्षेत्र क्यों बोला, ये क्या धर्म क्षेत्र है, युद्ध होने जा रहा है कि धर्म क्षेत्र है क्या ये, बोला हाँ इसका पुराना कहानी है, ये
धर्म क्षेत्र ये पद कुरुक्षेत्र का विशेषण रूप में लगाया गया। कुरुक्षेत्र ये स्थान का संबंध में महाभारत शल्य पर्व में है ऐसा कुछ लिखा हुआ है। कुरुराज अर्थात कौरव कुरु वंशों का आदि पुरुष जो है कुरुराज ये स्थान को कर्षण किए। कर्षण किए इसीलिए उसका नाम पर ये राज ये जगह को कुरुक्षेत्र ये स्थान को कर्षण किए थे वो स्थान का नाम कुरुक्षेत्र। अब प्रश्न होता है राजा क्यों राजा का दिमाग खराब हो गया क्या उसको कर्षण करने का क्या दरकार है। बोले ये कारण है गंभीर कारण है राजा उस स्थान राजा को पता था उस स्थान का महिमा। राजा उस स्थान को कर्षण शुरू करने से इंद्रराज ऊपर से आके हंसी उड़ाया क्या कर रहे हो राजा हैं। राजा उस स्थान को कर्षण करना शुरू करने से देवराज इंद्र आगमन करके कर्षण का कारण क्या है क्या कर रहे हो तुम पुरंदर पूछा इंद्र महाराज। कुरुराज ने बताया कि देखो पुरंदर यो सब आदमी एक क्षेत्र में अपना प्राण को त्यागेगा उसका स्वर्ग प्राप्ति होगा। स्वर्गराज इंद्र हंसी उड़ाया कैसा बातें हैं हैं ये क्या इतना सीधा बात है तो आप कह दिए हो गया। इस क्षेत्रों में जो प्राण त्यागेगा वो स्वर्ग को प्राप्त होगा। देवराज हंसी उड़ाया हाँसी उड़ा के चला गया वह करने दे पागलपंती। कुरुराज इंद्र का उपहास पर अमल नहीं किया अटेंशन नहीं दिया दुखित नहीं हुए दुखित हुआ नहीं एकांत मन में कर्षण करना शुरू लगन लगा कर्षण कर दे करने लगे दोबारा आ गया इंद्र महाराज। बोले क्या आने का बाद बार बार कुरुराज का समीप में आगमन करके उसको उपहास करके वापस जाने लगे और कुछ समझ नहीं पाया कि क्या कुछ तो टारगेट है टारगेट होगा। महीपति अर्थात कुरुराज कभी भी इस बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि अपना काम अपना करे वो उसका काम वो करे हमारा कहीं आता जाता है। अंतिम में देवराज देखा इतना कष्ट कर रहा है वो कुरुराज कोई सामान्य आदमी नहीं है आखे अंतिम में हैरान होके बोल दिया देखो तुम इतना कष्ट के कर्षण कर रहे हो कि हमारा दुख हो रहा है ठीक है चलो तुम्हारा इतना कष्ट करके कर्षण करने का जरूरत है नहीं। जो व्यक्ति इधर आलस्य सुन्न होके वो प्रयास प्रचेष्टा जरूर रहे होने जो लोग इधर प्राण त्यागेगा हम ही कह दिया ठीक है हमारा एक वरदान दे दिया तो इसको कोई भी इस जगह अनाहार में मारा जाए और कोई किसी से द्वारा मारा गया वो किसी भी हाल से वो स्वर्ग में जाएगा ये हमारा वरदान रहा। महाभारत का वन पर्व में महर्षि पुलस्त्य भीष्मदेव को ये बोला सर्व प्रकार प्राणी इस तीर्थ को दर्श करने के साथ साथ ही पाप से मुक्त हो जाए। सर्व प्रकार का पानी ये तीर्थ दर्शन मात्र पाप से मुक्त हो जाए। और जो व्यक्ति सर्वदा ऐसा बोलते रहते कि हमको कुरुक्षेत्र जाना है कुरुक्षेत्र देखा नहीं अरे जाना जरूरी है ये महान हैं कुरुक्षेत्र वास करना हमारा इच्छा है ऐसा व्यक्ति वो भी सारे तमाम पापों से मुक्त होके परित्राण को प्राप्त करता है। कुरुक्षेत्र का एक धूली कणा भी दुष्कृतकारी को भी परम पद को प्राप्त करा देता है ऐसा लिखा हुआ है। कुरुक्षेत्र का
एक धूलिकना भी धूलकन दुष्कृतकारी को परम पद को प्राप्त करा देता है। उत्तर दिशा में सरस्वती, दक्षिण दिशा में ऋषभवती, ये देव नदी उभय, ये दोनों नदी का बीच का स्थान है कुरुक्षेत्र। ऐसे तो है ही ये सरस्वती ब्रह्म नदी, सरस्वती दृषदवती समान ने भागवत में सब नदी का महिमा, नदियों का महिमा पंचम स्कंद में। और जो लोग इस स्थान पे वास करता है वो सुरलोक को प्राप्त करता है। मनुसंगी का मनुसंगीता का मुताबिक ये ब्रह्मवर्तो बोल के प्रसिद्ध है, ब्रह्मवर्तो बोल के प्रसिद्ध है। यहाँ ही इसका ही नामांतर है कुरुक्षेत्र। आप शायद जानते होंगे ये सामंतक पंचक जो है कुरुक्षेत्र संबंध में जाबाल उपनिषद में ये कहा गया जे जदनु कुरुक्षेत्रम देवानम देव जजनम सर्वेशां भूतानम ब्रह्म सदनम। अर्थात ये सामंतक पंचक ये कुरुक्षेत्र संबंध में जाबाल उपनिषद में ये ऐसा आता है कि ये जो है ये देवता के शतपथ, शतपथ ब्राह्मण में भी ये लिखा है, ये देव जजन का स्थान है। तेषां कुरुक्षेत्रम देव जजनमास तस्माद् आहु कुरुक्षेत्रम देव जजनम, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कुरुक्षेत्र देव जजनम क्षेत्र। कुरुराज कर्षण के कुरुक्षेत्र ठीक है, चलो कुरुक्षेत्र नाम पे जो प्रसिद्ध तीर्थ है ये बड़ा भारी सामान्य तीर्थ नहीं। कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र, धर्मक्षेत्र कहने से धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, अधर्मक्षेत्र माने जहां धर्मों का जाजन होते रहते हैं वो धर्मक्षेत्र है, अर्थात जाग यज्ञ आदि सब कुछ होते रहता है। और जो सब इनो जो सब आपका वर्णाश्रम धर्म जो है ये भारत भूमि में उसका एप्लीकेशन देखा जाता है। भारतवर्ष कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, ये है। और इसका अंतर्गत कुरुक्षेत्र ये भी माने हो सकता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र मतलब उसी को ही बोला गया, या भारत का अंदर ये माने नहीं हो सकता। जो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र ये माने हो इधर से, इस कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध तीर्थ और सामंतक पंचक आप जानते हो कि हमारा परशुराम जी जमदग्नि ऋषि का पुत्र परशुराम ऋषि जी खत्रियों का उदमबाजी हरकतें बंद करने के लिए तमाम जगत पृथ्वी को त्रिसप्त बार निक्षत्रिय किया। त्रिसप्त मतलब 21 बार, तीन साता 21, 21 बार पूरा धरती को खत्रियो शून्य करके, खत्रियों को मार के उसका खून से एक तालाब बनाया। बड़ा प्रसिद्ध तालाब है ये सामंत पंचक तालाब है, उधर जहां भगवान श्री कृष्ण सूर्य पराग को बहाना लेकर तमाम अपना परिजनों को लेकर सगे संबंधी रिश्तेदारों को लेकर वहां पहुंचा सूर्य पराग उपलक्ष्य में। ये भी इसी कारण कि उस जगह बहुत पवित्र है, उसी जगह सचमुच बहुत पवित्र है, इसीलिए। और यहां जो है इसी जगह अभी युद्ध होने जा रहा है, इसी जगह तो युद्ध होने जा रहा है। और प्रश्न जो है ये अजीब सा प्रश्न है, पर क्यों मेरे अजीब का प्रश्न, प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय का पहला श्लोक जो हैरान करने वाला, आश्चर्य का श्लोक है। क्यों भाई, धृतराष्ट्र क्या कैसा प्रश्न किया,
धर्मगत्य कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सव मामकहा पांडवाश्चैव किम करो तथम संजय संजय ये धर्मगत्य कुरुक्षेत्र में सारे समावेत जो योद्धा है जुजुत्सव अर्थात युद्ध करने वाले हैं और मामकहा हमारा सब पांडव आदि हमारा जो पुत्र सब है और पांडवाश्चैव ये लोग क्या कर रहे हैं किम कुरो तत् संजय संजय ये लोग क्या करने में लगे हैं। पहला तो प्रश्न है कुरुक्षेत्र में आप ही कह रहे हो कि आप ही कह रहे हो कि ये जुजुत्सव युद्ध करने के लिए आए तो युद्ध करने के लिए आए तो युद्ध ही तो करेगा और क्या करेगा इसका क्या मतलब है। बेमतलब आपने प्रश्न कर दिया कि युद्ध करने के लिए आए तो युद्ध करेगा ना और क्या करेगा। मामका ये शब्दों लेकर वो जो अंध धृतराष्ट्र जो स्वार्थी है बिल्कुल स्वार्थी है इतना नीच बुद्धि ये मामका ये शब्दों देकर पता चलता है कि हमारा पुत्र जैसे हमारा तुम्हारा ये जो विचार है वो तो मोटे बुद्धि वाले का। मामकहा मतलब इसमें पांच पांडवों के लिए जो घृणा है अंदर में विद्वेष है ये साफा दिखाई पड़ता है। नहीं तो ये भी तो तुम्हारा ही पुत्र है किसका पुत्र है छोटे भाई का पुत्र है तुमको पालन पोषण करके बड़ा करना था किया नहीं तुम्हारा ऊपर तो जुमा था ना आ तुम अभी ये कह रहे हो मामका पांडवस चुभ्यो किम कुर्बो तो संजय अरे तो मामा कहा ये शब्दों के द्वारा अपना पुत्र का ऊपर बड़ा भारी अतांतिक स्नेह और पांडवाश्चैव मतलब ये दूजा भाव पांडवाश्चैव शब्द के द्वारा ये ममता का अभाव ये पढ़ाई है ये अपना लड़का पढ़ाए ये साफा है। और ये जो संशय है युद्ध क्षेत्रों में ये लोग क्या कर रहे हैं ये प्रश्न का पीछे गहरा विचार है। वो क्यों बड़े अंध धृतराष्ट्र तो अंधा है ही है लेकिन वास्तविक ये ऐसा नहीं कि वो ज्ञानी नहीं है लेकिन ज्ञानी होने से भी वो स्नेहांध होने से पूरा खत्म ये भी ज्ञानी है लेकिन वो नहीं अब विचार बुद्धि नहीं चल रहा क्योंकि स्नेहांध। और ये यहाँ जो है हमारा पुत्रगण और पांडवों का पुत्रगण सब समवेत होकर ये जो आया है युद्ध करने के लिए युद्ध सभा क्या कर रहा है इसका मतलब क्या है। और ये विचार करके देख लिया कभी कभी स्थान का प्रभाव भी बहुत प्रभाव स्थान का प्रभाव जो है ये बहुत कीमती चीज है। जैसे आप बद्रीनारायण में जाओ बद्रीनाथ जी का दर्शन करो अलकानंदा में स्नान करो सब कुछ करने का बाद वहां रात्रि वास करो करने के बाद आपका मन में क्या जितना भी बदमाश हो आपका मन में स्थान की प्रभाव से ये दो तरफ नारायण पर्वत है बीच में चल रहा है ये अलकानंदा बद्रीनारायण आह कितना सुंदर भूमि है दिव्य भूमि वैकुंठ अनुभव होनी चाहिए। और वहाँ आकर जितना भी बदमाश हो क्षण भर का लिए वो भी चिंतन करना शुरू कर दे अर्थात मेरा कहने का मतलब है अंध धृतराष्ट्र जी ने सोच लिया कि ये भी तो हो सकता है कि स्थान का प्रभाव से ये लोग अपना अपना मन को बदल डाला मस्जिद निकाल के क्या फायदा है दोनों पक्ष लड़ाई करे तो बहुत सारे खून खराब हो सकता है क्या फायदा है ऐसा कोई मेंटल डिसीशन जो उसका मन घूम गया हो घूम जा सकता उसका मन है। और एक चीज है धृतराष्ट्र को ये पक्का है ये हमारा पुत्र सब है अधार्मिक है
ये पक्का है। है तो स्नेहांध है, धृतराष्ट्र का ये विशेष है, वो स्नेहांध है, लेकिन ये पक्का बात ये वो उसको खुद को मालूम है, मेरा जो पुत्र है ये सब पाखंडी हैं, अधार्मिक है, और पांच पांडव जो है वो धार्मिक है। और स्थानों का प्रभाव कोई कहा नहीं जाता कि स्थानों का प्रभाव लेकर ये युद्ध करना वो लोग बंद भी कर सकता है कि हिंसा का काम है, गुरुजन बताती हिंसा रूप अधर्म और पंच पांडवों का मन में ये पैदा हो गया, अरे लड़ाई करके क्या करे, चलो इसको इन लोगों को ही रहने दो, हम वनवासी फिर चले जाए, फिर हम चले जाए क्या करे, लड़ाई फड़ाई करके मारा जाएगा, बहुत सा खून खराब हो सकता, वो कुरुक्षेत्रों का ये धर्म क्षेत्रों का प्रभाव से ये भी तो हो सकता है कि हमारा ये पांच पांडवों का मन थोड़ा शिथिल हो गया होगा और ये फिर सोचे कि ठीक है हम सन्यासी जैसा भिक्षुक धर्म का आश्रय करके वनवासी हो जाए, इसी में शांति है, शांति मिलेगी और बिना युद्ध हमारा पुत्रगण राज्य लाभ करके लाभ जुला तो अधिकार तो जमा के बैठा हुआ है और ठीक है निष्कंटक हो सकता। अब ये भी हो सकता है कि हमारा जितना हमारा जो दुर्योधन आदि पुत्र है धर्म क्षेत्रों का प्रभाव से उदार बन गया होगा, धर्म प्रवण हो गया होगा और निष्कपट उपाय से अपना उसका राज्य राजधानी का जो हिस्सा है वो प्रत्यार्पण कर दिया और बिना युद्ध में राज्य भ्रष्ट हो गया, ठीक है चलो चलो आप ही ले लो, ऐसा भी हो सकता है। अंध धृतराष्ट्र का हृदय में तरह तरह का विचार उठ रहा है और ये भी और एक विचार भी है, जैसे धान खेत जो है पैडी फील्ड, धान क्षेत्र में कभी कभी श्यामा घास पैदा होता है जो जरूरत है नहीं, धान का खेतों में अगर ऐसा घास फूस पैदा हो जाए श्यामा घास, ये किसान के लिए हैरान की वस्तु है, ये उठा के इसको फेंक देनी चाहिए, वो फेंक देता है, किसान लोग बीज बीज में खेत में जाकर जितना सारे ये सब फालतू चीज़ें हैं उसको उठा के फेंक दें ताकि हमारा जो धान पेड़ का ये जो वृक्ष है औषधि का उसका पालन पोषण ज़्यादा हो पाए, ऐसा विचार भी धृतराष्ट्र का मन में ऐसा पैदा हुआ। जे कृषक जैसे निर्मूल करता है उठा उठा के फेंक देता है, तद्रूप धर्म क्षेत्रों का प्रभाव से मेरा लड़कों ये सब जितना सारे लड़का है हमारा वो लड़का अधार्मिक है, ये ठाकुर जी का प्रभाव ऐसा है जे अधर्म का प्रभाव से ये लोग को उखाड़ के फेंक दिया गया, ये तो धर्म क्षेत्र में खड़ा हुआ है युद्ध करने के लिए, धर्म क्षेत्र में अधार्मिक मेरा जो अधार्मिक पुत्र है धर्म विरोधी हमारा पुत्र ये निर्मूल होके गिर जाएगा, ये भी असंभव नहीं है, कहा नहीं यह है, ये शुद्ध सरस्वती का विचार उसका जवान पे। और जितना सारे ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध स्वभा माम कहा पांडवास्तव किम कुर्वतो संजयो, इसमें विचार करने से ध्यान करने से ये सब विचार हमारा सामने आ सकता है पॉसिबल सारे, क्योंकि एक श्लोक को डिफरेंट एंगल अलग अलग दृष्टिकोण से विचार करने से इसका अंदर से बहुत सारे मसला निकल सकता है। और इसका बात यहाँ तक इसको पहला श्लोक का, और इसका बात संजय अभी उत्तर दे, एक ही प्रश्न है धृतराष्ट्र उवाचो और संजय अभी उत्तर देने जा रहे हैं, उस संजय उवाचो दृष्ट्वा तु पांडवा निकम बूढ़म दुर्योधन तदा
आचार्यम उपसंज्ञम राजा वचनम अवब्रित दृष्ट्वा तु पांडवानीकम बूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंज्ञम राजा वचनम अवब्रित दृष्ट्वा तु पांडवानीकम। अर्थात पांडवा का जो स्ट्रैटेजी है, सैन्य वाहिनी है, सैन्यों का विन्यास है, ये रचना बुहो दृष्ट्वा तु पांडवा निकम बूढ़म, बूढ़म मतलब स्ट्रैटेजी, बुहो रचना, इसका ऊपर ये युद्ध का एक कौशल है, टेक्निक है। जिसका पास युद्ध का टेक्निक ज्यादा है वो निश्चित जय को प्राप्त करता है। ये सामान्य वस्तु नहीं है, कैसे युद्ध किया जाए, उसका स्ट्रैटेजी क्या है, हमको कैसे कैसे हमको चलने से हम युद्ध को जय प्राप्त करेंगे। तो दृष्ट्वा तू पांडवा निकम बूढ़म दुर्योधनस्तदा, अर्थात दुर्योधन अपना संजय कह रहे हैं कि अंध धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि देखो अभी पंच पांडवों का जो स्ट्रैटेजी है, बुहो रचना, इसको दृष्ट्वा तू अवलोकन करके ये दुष्ट दुर्योधन, इसका मन में पॉलिटिक्स छोड़ के कुछ नहीं है, भरपूर पॉलिटिक्स ये है, काला धन का स्प्रिहा, पॉलिटिक्स, अन्याय, अधर्म, इसका ही जिंदगी है पूरा, क्योंकि ये कली का अंश में जन्म है, इसलिए यही इसका काम है। तो इसमें बड़ा भारी पॉलिटिक्स है। क्यों पॉलिटिक्स है, मैंने जब दृष्ट्वा तो पांडवानिकम बूढ़म दुर्योधनस्तदा, उस समय दुर्योधन ये सब देखकर सीधा आचार्य के सामने जाने का प्रयत्न किया। आचार्य उपसंगम, संगम नहीं उपसंगम, विशेष एक विचार लेके, पॉलिटिक्स, कूटनीति, आचार्य उपसंगम राजा वचनम अब दुर्योधन राजा वचनम अवब्रीत, ये वचन को बोला, ये बोलना शुरू किया। दुर्योधन राजा है, स्वयं सेनापति द्रोणाचार्यों का निकट गमन करके जैसे कि लगता है वो गुरु है, गुरु का सामने सम्मान देना जरूरी है, गुरु जहां वहां पहुंचा, मन में तो राजनीति छोड़कर कुछ है ही नहीं। दुर्योधनो द्रोणाचार्यों के सामने जाकर बातें बोलना शुरू किया। और बातें बोलना शुरू कर दिया, इसमें पॉलिटिक्स ये है कि ये राज इसका जो सैन्य का जो बुहो रचना, इसको देखकर धनुर्विद्या अध्यापक अर्थात गुरु द्रोणाचार्य का निकट जाके है ना, राजा ये बात के द्वारा राजनीति विसारा दुर्योधन गया, ऐसा बोलने से ही होता, लेकिन राजा मतलब राजनीति जिसका काम है, इसको इशारा किया राजा राजनीति विशारद दुर्योधन कूटनीति विशारद वचन, थोड़ी सी शब्दों में, एक शब्दों में बड़ा भारी गंभीर विषय को उपस्थापन किए। और भाव गंभीर पूर्णो हृदय लेकर दुर्योधन स्वयं सम्मान देते हुए आचार्य द्रोणाचार्यों के समीप गमन किए। अरे जाने का क्या दरकार था, इसमें बहुत सारे पॉलिटिक्स है। एक तो विशेष ये है, दुर्योधन को रहा नहीं गया, जब भीमसेन को देखा, अर्जुन को देखा और कृष्ण सारथी बन के बैठा, और देखने का बाद उसका हृदय हिल गया, मानो कि हृदय हिल गया थोड़ा। क्यों, बोले हिलना ही चाहिए,
हिलना ही चाहिए क्योंकि है तो अधर्म का पक्ष में। ये पता करके रखना, ये जरूर जान लेना कि जो अधर्म का पक्ष में है, भजन में भी जो अधर्म का पक्ष में है वो हर वक्त उसका वीकनेस है ही है। बाहरी दृष्टि में पैसा का बल पर, राजनीति का बल पर बहुत कुछ कर सकता, लेकिन इसका अंदर में डर है कि देखो ये महाराज का विरुद्ध में हम किया, ये पक्का है, ये झूठा नहीं है, हमने सरासर गलत किया, हम चीटर है, हमने धोखेबाजी किया, सब कुछ किया, इसका पीछे जाए तो हमारा विपत्ति आ सकता है। बाहरी दृष्टि में इसका कोई पावर नहीं है कि कौन जाने कौन कहां से कौन पावर आ जाएगा, हमारा सत्यानाश हो सकता है, इसलिए बस करो। दुर्योधन ये उसका जो गमन है इसके द्वारा ये प्रतिपादित होता है, ये पांच पांडवों का सेनावाहिनी का प्रभाव दर्शन करके जरूर इसका अंदर में भय को प्राप्त हुआ, ये भय आ गया, डर एकदम हिल गया थोड़ा। फिर भी अपना ताकत को साबित करते ही ये गुरु जी का पास मर्यादा, जैसे लगता कि हम मर्यादा को दिखाने के लिए गुरु का पास गया, अपने खो दिया आया ऐसा करके, और ये तो कपट है, अपना भाई को संगपन छुपाने का कोशिश में है। इसमें राजनीति विशारदों का जो निपुण बुद्धि है ये लगा, वो पता चला, ये जो राजनीति में कुट बुद्धि में ये बड़ा बलशाली है, ये शब्दों के द्वारा ये सब प्रतिपादन हो सकता है। परिचय का जरूरी नहीं है क्योंकि दुर्योधन हम जानते हो, धृतराष्ट्र का, महर्षि गांधारी का गर्भजात सतपुत्रों में ये सबसे ज्येष्ठ है, ज्यादा नहीं बोलते हुए हम आगे जाएंगे। संजय को बोल दिया, ये तो गवलगन ऋषि, उसका परिचय भी दे दिया थोड़ा बहुत। द्रोणाचार्य जो आप जानते होंगे कि पांडव और कौरव का अस्त्र शिक्षक गुरु, ये गुरु है। महर्षि भरद्वाज का पुत्र है। द्रोणाचार्य का जन्म हुआ कलश से, पीचर कलश, पानी का कलश से, वह भी बड़ा भारी इतिहास है। और अस्त्र विद्या में इतना पारदर्शी है, वेद वेदांग आदि अस्त्र शिक्षा भी, व्याकरण भी, सब वेदों का ही हिस्सा है, व्याकरण भी, अस्त्र शिक्षा, धनुर्वेद, आयुर्वेद, सब कुछ। सो इन अस्त्र विद्या में पारदर्शी थे, बहुत बड़ा आचार्य अस्त्र का, और वेद अंग आदि शास्त्रों में अभिज्ञ हैं, ऐसा नहीं कि शास्त्र कुछ नहीं जानते। और परशुराम महाराज भगवान का जो अवतार है, परशुराम जी 27 अवतार, उसको प्रसन्न करके इनके कृपा प्राप्त भये, अर्थात इनसे जितना सारे रहस्यमय अस्त्र विद्या है, सरहस्य धनुर्विद्या अस्त्र विद्या, तमाम विद्याओं को प्राप्त किए। पांचाल राज द्रुपद राजा का सभा में इसका बड़ा भारी पहले सम्मान था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हालत हुआ कि द्रुपद राज ने उसको अपमान किया। किस कारण है उतना जाने का टाइम नहीं है। द्रुपद राज कत्ती को अपमानित हुआ, होके बोला ठीक है तेरा रहा, हम चला, बोल के हस्तिनापुर को गए। वहाँ जाके भीष्म पितामह बड़ा चतुर, बोले ठीक है इसको क्यों न लगा दिया जाए, ये टीचर बन के रह जाए, प्रोफेसर अस्त्रों का, भीष्म पितामह भीष्म उनको लगा दिया, अस्त्र शिक्षा सिखाओ। ये कौरव पांडव दोनों का आचार्य पद में अधिष्ठित हो गए। जितना सारे शिष्य हैं इनमें से दुर्योधन सबसे प्यारा शिष्य है, दुर्योधन इसका सबसे प्यारा शिष्य है। और राजा दुर्योधन जो है, ये राजा दुर्योधनों का विनती से
बड़ा भारी सम्मान दिखाया बाहरी दृष्टि से, और ये निर्बंध है, ये होनहार का खेल है, क्या करे, ठाकुर जी का व्यवस्था। ये राजा दुर्योधनों का निर्बंधादि निर्बंधाति सज्जे, अर्थात राजा दुर्योधन का, अर्थात प्राचीन जो राजधानी इसका ऊपर आस्था रखते हुए पांडवों का पक्ष लेकर सेनापति का पद में उतारे कुरुक्षेत्र युद्ध में। और इसमें गहरा विचार ये है कि दुर्योधन बड़ा भारी राजनीतिविद, बहुत चतुर है, ये हर पल पल में इसका राजनीति है, कूटनीति है। वो जाने का साथ साथ ये दिखाया कि बाहरी दृष्टि में गुरु को सम्मान देने के लिए आए, अंतर में डरपोक है, अधर्म का पक्ष में है, तो हृदय थोड़ा हिल गया होगा, और फिर भी दिखाने के लिए हम आचार्य जी को सम्मान स्वागत करने के लिए आए, और आके क्या बोले, ये सबसे बड़ा बात है। इसका हर वचन हर चाल बोल जो है पॉलिटिक्स विषाक्त पॉइजनस है, पॉलिटिक्स से पॉइजनस है, इतना कूटनीतिविद है। और जाके अब क्या बोलना शुरू कर दिया, बोले पश्चैताम, क्या देखे, बोले देखिए देखिए क्या देखे, बोले पश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम आचार्य महति महतिम चमु, ये देखिए आपके सामने इतना उसका हिम्मत है, आप इसका शिक्षक हो गुरु हो, आपका सामने आस्फालन कितना है, देखो ये पांच पांडव तो आपसे आपका ही तो शिष्य है, पुत्र जैसा है, इतना हिम्मत है, पश्चैताम, ये बात वाक्य के द्वारा ये उसका हिम्मत देखिए आप, पश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमो, ये देखिए कितना बड़ा सैन्य सज्जा स्ट्रैटेजी लेके आ पहुंचा, इसका बूढ़म इसका जो स्ट्रैटेजी, चमो माने सैन्य और बूढ़म माने स्ट्रैटेजी, और ये भी द्रुपद पत्रेण द्रुपद पुत्रेण तब शिष्यन अधिमता, द्रुपद पुत्र जो आपका शिष्य है, बूढ़म द्रुपद पुत्र ने तब शिष्य नदी, याद है आपको, आपने ही तो सिखाया था, हैं, जिसका पिताजी आपको अपमान किया था, बड़ा भारी असन्मान अपमान किया, याद है नहीं, अर्थात ये जो है कूटनीति है, गुरुजी को अपना पुराना हिसाब किताब का याद दिला रहा है, याद है, यही इसी को तो आप सिखाया, और देखो कितना हिम्मत है, इसी का ही तो पिताजी आपको अपमान किया है, इसके द्वारा गुरुजी को अपना पूर्व पहले का जो हिसाब किताब उसको याद दिलाना है, जैसे कि वो बड़ा बड़ी उसका अंदर में प्रतिज्ञा आ जाए, रिजोल्यूशन आ जाए, गुस्सा आ जाए, और युद्ध करे ऐसे कि एकदम मार मिट है, जैसे पांच पांडु को मर मिटा दे, मार कर मिटा दे। पश्चैताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतिम चमम, बूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इसमें विशेष ये है, पश्चैताम बोल के ऐसा चुनौती जैसे दे रहा है विशेषण, और दुर्योधन को ये पता है कि पांच पांडव अर्थात युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन लोगों के ऊपर गुरु जी का बड़ा भारी स्नेह है, गुप्त स्नेह, ये दुर्योधन को पता है, और ये स्नेह अगर ज्यादा उछल पड़े तो गया, हो गया मिट्टी, युद्ध जो है मिट्टी में मिट जाएगा, हमारा पराजय निश्चित है। ये स्नेह अगर ज्यादा उछल पड़े तो हो गया मेरा युद्ध, अब तो आचार्यों का काम क्या रहा है, आचार्य पद में बैठा दिया, और ये भी हो सकता है युद्ध छोड़ दे, अरे युद्ध फुद क्या करे, ये सब बच्चा है मेरा, ऐसा विचार करके दुर्योधन कूटनीतिविद राजनीतिविद ये चाल शतरंज का चाल चल रहा है,
शतरंज खिलाड़ी जो है वो चलता है ना, गुटी को ये चल रहा है, जैसे उसका अंदर में हिम्मत पैदा हो जाए, क्रोध पैदा हो जाए, विद्वेष पैदा हो जाए, अरे तेरा की तेरी तो, ऐसा भाव आ जाए, देख लो हम देख लेंगे, ऐसा विचार आ जाए, ऐसा करके गुरु जी को समझा रहे कि देखो पांच पांडव आपका इस शिष्य कितना अवज्ञा है आपका ऊपर है ही? आपने इतना स्नेह करते हो आप, हाँ देखो कितना हिम्मत है आपका अवज्ञा करके, जब आप स्वयं खड़ा हुआ है आपका सामने आया है, सीने को टान करके, अपना सीने को टान करके सामने आया, कितना हिम्मत है आपका अवज्ञा किया। इसके द्वारा ये प्रकाश करने का औद्धत्य, इसका जो, इसका जो औद्धत्य है, एडासिटी जो है, ये आप देखो है? आप जो महावीर महापराक्रमशाली आचार्य हो, आपको उपेक्षा की, पंच पांडव इतना हिम्मत है और ये स्ट्रैटेजी बनाकर उस युद्ध का जो जो चाल है सब स्ट्रैटेजी बनाकर बुरो रचना करकर, बुहो रचना करकर आपका सामने आ पहुंचा। और ये द्रुपद पुत्र याद करो, इसके द्वारा आपका पूर्व का जो जो शत्रुता है, हिसाब किताब इसको याद रख। आपका वध के लिए जग किया ना द्रुपद राजा, द्रुपद राजा तो है ना, द्रुपद राजा आपका, आपको पराजित करने के लिए है, आपको वध करने के लिए आपका, आपका सामने तो पराजित हुआ और इसका बाद आपको वध करने के लिए यज्ञ भी किए, और यज्ञ उसी यज्ञ कुंड से ये पुत्र का पैदा हुआ धृतराष्ट्र, धृष्टद्युम्न। और आप जानते हुए भी, आप इतना सरलमति है, आपका सरलमति, आप इतना सरलमति हो, आप ब्राह्मण हो, इतना सत्यनिष्ठ हो, इतना सरल हो, आप जानते हुए भी ये दुष्ट को अपने शास्त्र सिखाया, आप जानते हो कि सुत अपना शत्रु का पुत्र है, फिर भी आपने इसको धृष्टद्युम्न को अपना धनुर्विद्या आदि सब शिक्षा दिया। ये लोग बड़ा चतुर है, आपका ही सामने आपका वध का उपाय निश्चय किया, आपका ही सामने से सीखा ना, आपका ही सामने वो सब सीखा, सीखे कैसे वध किया जाए आपको, ये विचार में लगे हुए है, देखो कैसा बुद्धि है, कितना बदमाश है, देखो आपसे ही सीखा और आपको ही वध करने का उपाय चिंतन कर रहा है तो सामने आ गया। ये सब जो विचार है कूटनीतिविद, कूटनीतिविद जो दुष्ट दुर्योधन है, ये सब विचार बना के बैठा हुआ है। गुरुजी को ये याद दिला रहा है कि गुरुजी किसी भी हालत से, या तो स्नेह का खातिर हो, कुछ भी, किसी भी हालत से इसको और ये लोगों को अगर उपेक्षा आप कर दिया तो ये सत्यनाश, उपेक्षा ना करे, इसको उपेक्षा, उपेक्षा करने का मतलब हमारा अनर्थ बन जाएगा और हम युद्ध क्षेत्र में पराजय निश्चित है, ऐसा विचार बना के दुष्ट दुर्योधन सेनापति गुरु द्रोणाचार्य जी का पास आ पहुंचा। और इसका बाद अभी तो बोलती, अभी का अभी तो उसका बोलती बंद नहीं हुआ, बोलना शुरू कर दे तो चलते चले जाओ। अथो सूरा महेश्व आशा भीमार्जुन समायुधि जुजुधानो विराटस्यो द्रुपदस्यो महारथः धृष्ट केतुश्चकितानो काशीराजस्य विरजमानो पुरुजित कुंती भोजस्य सैभ्यश्च नरपंगव जुधामनुश्च विक्रांतो उत्तमौयाश्च विरजमानो सौभद्रो
द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन का क्या मतलब है ये परिचय देने में लगे हुए, क्या क्या गुरुजी अंधा है क्या, गुरुजी क्या अंधा है, गुरुजी देख नहीं सकता क्या, कौन कौन है नहीं है, तेरे को याद दिलाने का क्या जरूरी है, यही तो इसको भी बोला जाता है पॉलिटिक्स, राजनीति कूटनीति। एक एक करके कह रहे कि देखो गुरुजी कितना बड़ा हिम्मत है, बड़े बड़े योद्धा है, बड़े बड़े जो योद्धा है सब सामने आ गया, भीम अर्जुन सूरा माने वीर संति उपस्थित, जुजुधान मतलब सात्विकी, विराट माने विराट राजा, महारथ द्रुपदश्च महारथ द्रुपद, धृष्टकेतु चकितान राजा का नाम है सब एक एक, बिरजवान काशीराजश्च महाबल बलशाली काशीराज, अपुरुजित माने कुंती भोज, कुंती भोजश्च नरपुंगवः अर्थात राजाओं में श्रेष्ठ राजा है, सैब्यश्च विक्रांत पराक्रमशाली जुधामन्नु बिरजवान उत्तम उत्तम यहा च सौभद्र मन अभिमन्नु, द्रौपदीया माने द्रौपदी का जितना सारे पुत्र है महारथा, ये सब महारथा है, महाबलशाली महारथा बहुत पावरफुल है। इसका अंदर में ये भाव ये है कि गुरुजी को ये सब सेनाओं का परिचय करके ऐसे तो डायरेक्ट कहा नहीं जाए गुरुजी को आप सावधान रहना ठीक से युद्ध करना, ऐसा बोलना तो उचित नहीं है, सम्मान देने का बहाने में, सम्मान देने का बहाने में ये एक विचार है, एक कूटनीति है, सम्मान देने का बहाने में ये सब का याद दिला रहा है कि इसका साथ आप सही ढंग से एकदम आपका जो पराक्रम है उसका पूरा दम से इसका साथ लड़ ले कि वो मर जाए, इसको मारो आप, ये कहना जरूरी है। चमू जो है सैन्य संगो 729 हाथी 729 रथ और 2187 अश्व अश्व माने घोड़े और 3645 पदाति जब एकत्रित हो जाए उसको चमू एक दल है इसको टीम। धृष्टद्युम्नो द्रुपद राज का पुत्र है, द्रौपदी महारानी का ये भ्राता, दोनों ही यज्ञ कुंड से प्रकट भय, एक तो द्रौपदी महारानी और धृष्टद्युम्नो, धृष्टद्युम्नो हमने पहले ही कह दिया कि द्रोणाचार्य के सामने अस्त्र शस्त्र किया और यही कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोणाचार्य को मार डाला। हमारा गुरुजी कहते थे गुरु मारा विद्या, गुरुजी हंसते हुए कहते थे ये लोग सीख रहा है बहुत सारे विद्या गुरु को मारने के लिए हैं, गुरु मारा विद्या, ये गुरु मारा विद्या हुआ, गुरुजी से ही सीखा और गुरुजी की मारा तो गुरु मारा विद्या हुआ नहीं है, धृष्टद्युम्नो ये द्रोणाचार्य को मार डाला। जुजुधान ये द्वारकावासी सात्विकी नाम में विख्यात कृष्ण का अनुगत, अर्जुन का सामने अर्जुन का पास धनुर्विद्या का शिक्षा किया, महाभारत से पूरा पक्का ये सब रिजल्ट अर्थात सारी खबर ये जितना सारे विराट राज मत्सराज विराट ये विराट राज का उधार पांडव जब अज्ञातवास में गए तो वहां रहे, याद है आपको मत्सराज विराट राज का गृह में पांडवगण एक साल अज्ञातवास किए और ये पांडवों का वैवाहिक अर्थात वैवाहिक संबंध है
पांबो का, विराटराज का पुत्र को इसका साथ उत्तरा का विवाह दिए, इसका साथ द्रौपदी का जो पुत्र है, तो वैवाहिक संबंध ब्याह। कुंती भोज कुंती देवी का पिता ये भी राजा है, अभिमन्यु तो जानते हो, अर्जुन का पुत्र सुभद्रा देवी का गर्भ से जन्म ली, और सप्तरथी सात महारथी इच्छा करके इसको अन्याय रूप से इसका वध कर दिया अन्याय रूप से। अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य कृपी का पुत्र, द्रोणाचार्य की कृपाचार्य भी कहा जाए, कृपाचार्य का पुत्र कृपी पत्नी द्रोणाचार्य और कृपी का पुत्र अश्वत्थामा। जन्म काल में ये घोड़े का मापिक आवाज किया अश्वत्थामा, इसका सर पे मणि है, भालों पे मणि है। भीष्मो आप जानते हो संतनु और गंगा का पुत्र चिरकुमार, ज्यादा बोलने का समय नहीं है। इच्छा मृत्यु प्राप्त करके 10 दिन 10 दिवस सर सज्जा में पड़े हुए थे, बड़ा भारी ज्ञानी है, द्वादश महाजनों में एक है, और सर सज्जा में रहते समय जब कृष्ण पंच पांडवों को और ऋषि मुनि को लेकर पहुंचे, बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश किए, बड़ा भारी विराट विद्वान। कर्ण आप जानते हो कुंती देवी का काननी पुत्र, अर्थात जब शादी नहीं भई उस समय सूर्यदेव का कृपा से इसका जन्म हुआ। परशुराम का निकट इसका अस्त्र शस्त्र शिक्षा किए, बड़ा भारी दानवीर भी है, शूरवीर भी है, दाता बोल के विख्यात है। कवच कमंडुल को प्राप्त किए सूर्य देवता से, उसको मारना बहुत मुश्किल है। दिल्ली जाते समय वृंदावन से डायना बाजू वो जगह पड़ता है, वो सूर्य कुंड, ये सूर्य कुंड हमारा वृंदावन का सूर्य कुंड नहीं है। वहाँ कुंड के किनारे भजन किए, स्नान ध्यान किए, और ये कर्ण जी कर्ण महाराज जो भी है। और धनंजय आप जानते हो अर्जुन का नाम ही है, श्रीखंडी राजा द्रुपद का, जो राजा द्रुपद का श्रीखंडी नामनी कन्या, ये बहुत सारे कहानी है, ये बोलने बहुत समय लगे। ये पूर्व जन्म में काशीराज का कन्या अम्बा थी, अभी श्रीखंडी कुछ काम है, कुछ भी ऐसे कुछ काम जरूर है। धनंजय तो अर्जुन का ही 10 नामों में प्रसिद्ध, पार्थो पार्थो ये तो है, पृथा वसुदेव का जो बग्नी पृथा देवी, पृथा का अर्थात कुंती देवी का पुत्र, ये बोलने के लिए पार्थो शब्दों को प्रयोग किया जा सकता है, कभी कभी ये होता है। जो भी है अभी देखो, ये जो धीरे धीरे कह रहे हैं कि देखो धृष्ट केतु जो सब आए एक एक करके सैन्य वाहिनी का वर्णन, अत्रोसुरा महसुआसा भीमा अर्जुना समायुधि जुजुधानो विराट, ये सब कुछ नहीं, इसमें सारे विन्यास है, नाम का विन्यास है। ये सब लोग पहुंचा, शिला भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि सैन्य वाहिनी में महाधनुद्धर भीम अर्जुन तत्समकक्ष तत्क समान ऐसा वीर सब उपस्थित है, जुजुधान सात्विकी विराट महाराज द्रुपद धृष्टकेतु चेकितान बीर्जवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और नरश्रेष्ठ शैव्यो आद बलवान जुधामन्नु वीर उत्तमजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु द्रौपदी का 5 पुत्र या गर्भजा तो 5 सब सारे के सारे इस युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचा।
इस सारे युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचा अपना प्राण को बलिदान करने के लिए, प्राण को बलिदान करने के लिए आ पहुंचा। यो कुछ कैसी भी हालत से युद्ध करके न्याय को प्राप्त करना है, क्योंकि ये धर्म पक्ष में है। आप जरूर जानते होंगे कि ये युद्ध का शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण हर हालत में प्रचेष्टा की कि युद्ध को बंद किया जाए, रद्द किया जाए। ये दूध बांध के पहुंचे कि वो फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। दुर्योधन ने यहां तक कह दिया कि एक एक निडल सूचो का अग्रभाग में जितना मिट्टी आता है उतना मिट्टी भी देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं बिना युद्ध। ठीक है, तेरा अगर इच्छा है तो युद्ध हो जाए। भगवान श्री कृष्ण अंतिम प्रचेष्टा भी कर चुके कि जैसे युद्ध को बंद किया जाए, लेकिन हो नहीं पाए। ये युद्ध होना जरूरी है, युद्ध हो गया। और ये युद्ध क्षेत्रों में आपको पता है शायद ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध क्यों है? बच्चे बड़े भाई किसी भी राज्य राजधानी में बड़े भाई होते हुए छोटे भाई को राजधानी नहीं मिलता, अधर्म है। अगर बड़े भाई अपाहिज है, अंध है, तो इसमें बड़े भाई का काम करने का जुमा है छोटे भाई का, पांडवों का, पांडुपुत्र ये माने पांडुराज। अंध धृतराष्ट्र अग्रज है और पांडु छोटे, फिर भी पांडु का ही अधिकार, और पांडु का अधिकार तो है ही है, लेकिन पांडु जी महाराज मारे गए, कुछ कारण है, उसे बोलने का दरकार नहीं। अभी शरीर को छोड़ दी, और छोड़ने के बाद ये बाल बच्चा लेकर कुंती मैया ने बड़ा भारी तपस्या की, और कहाँ जाए बेचारी, ये अंध धृतराष्ट्र तो बदमाश अंधा तो है ही है, और अंदर में भी हृदय में भी अंधेरा छा गया, वो बदमाशी कर रहा है। अब पुत्र दुर्योधन जो कह रहा है कि बदमाशी, वो कर रहे हैं, अप्रूव किया, तो अधर्म को प्राप्त किए। अधर्म करते करते इसका अंतिम समाप्त अधर्म में निधन, अधर्म में निधन होता है। युद्ध करने के लिए ये लोग आया, बोला बिना युद्ध नहीं देंगे, लेकिन ये जो है विचार, दुर्योधन बिना युद्ध देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए युद्ध हो गया। और आपको याद है युद्ध का समय पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो आप दोनों मेरा प्यारा हो, दुर्योधन और अर्जुन, और दोनों काल सुबह मेरा पास आ जाओ, मैं जब शयन करें, शयन से उठने का पहले हम आंखें खुल के जिसको हम पहले देखें वो पहले मांगे हमसे, जो भी दुआ मांगे हम दे देंगे। हमारा 18 और अक्षहीनी सेनावाहिनी है, या तो सेनावाहिनी को कोई लेगा या तो कोई हमको प्राप्त कर लेगा, दोनों में एक, तुम दोनों में जो पहले हमारा पास आओगे उसको ही अधिकार है पहले मांगने का, पहले मांगने का अधिकार तो उसका ही है। तो दोनों में सुबह में दुर्योधन क्या किया, पहले ही अर्जुन का पहले पहुंच गया, पहुंच के सर का सामने खड़ा हो गया, अभिमानी है ना, और भगवान का चरण कमल का सामने अर्जुन आके खड़ा हो गया। अब ये बताओ कि नींद खुलने से पहले कौन नजर आएगा, जो चरण के सामने, वो चरण के सामने आए, चरण के सामने अर्जुन है। भगवान पूछे कब आए, बोले दुर्योधन बोला हम पहले आए। अरे पहले आए तो हम क्या करें, हम तो देखा इसको पहले, जो भी है चलो क्या मांगना है आपको, आपको क्या मांगना है, बोले आपका जो 18 उक्षेनी सेना वाहिनी है हमको दे दो। ठीक है चलो, अर्जुन बोले तुमको क्या चाहिए, बोला हम तो पहले आया, हमको पहले ही अगर मांगने का इच्छा होता तो हम यही मांगते, आपको चाहिए। दुर्योधन हंसी उड़ाया, चल ले चल अकेला इसको, हम 18 अक्षयिनी सेनावाहिनी को लेकर चले। ये विचार बना के दुर्योधन गया, वो सोचा कि हमारा सैन्य वाहिनी ज्यादा पावरफुल है, 18 के इतना दुर्योधन का क्या है, कुछ नहीं है, फिर भी अंदर में डर है,
क्योंकि अधर्म का पक्ष में है तो डर तो होगा ही, अधर्म का पक्ष में है तो डर है, अनुक्षण एक अनजाने में एक डर है ना पीछे कर रहा है। जो भी है चलो, उसका उसका कोई ठिकाना है नहीं, सारे सैन्य वाहिनी का विन्यास बता दिए। और इसका बाद गुरुजी के सामने गुरुजी का हौसला बढ़ाने की कितना हिम्मत है, बता रहे कि देखो गुरुजी, अस्माकं तु विशिष्टा जे तन्निबोधो द्विजोत्तम, हमारा सैन्य वाहिनियों में, हमारा सैन्य वाहिनी जो है, हमारा जो टीम है, इसका अंदर में प्रधान प्रधान जो है वह आपको, आपका जानकारी के लिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, अस्माकं तु विशिष्टा जे तन्निबोधो द्विजोत्तम नायका ममो सैन्यस्य संगार्थम तानो बब्रिमी। ये द्विजोत्तम बोलने का क्या टेक्निक है, ये भी राजनीति है। ये जो गुरुजी को द्विजोत्तम बताया ना, इसका अंदर में राजनीति है, कूटनीति है। पर द्विजोत्तम बोल के ये बोलना चाहता है कि देखो, आप तो सौगंध खा के आए हो, जो हमारा राज्य राजधानी कुरु वंशों का ये जो इसको जॉय कराने के लिए अब आए हो, तो ब्राह्मण तो कभी अपना प्रतिज्ञा से हटते नहीं, सत्यवादी होते हैं। मैं इसको याद दिलाने के लिए, इसका हर शब्द जो है बदमाश का, ये दुष्ट बदमाश का सारे शब्दों का पीछे एक एक राज है, राजनीति है। इसलिए बोल रहा है अस्माकं तु विशिष्टा जेतान निबोधो द्वितम नायका ममो सैन्यश्च संज्ञार्थम तानो बब्रमी बब्रमीते। आपको ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, इस आपका इसका विषय में बता रहा हूं। अच्छा, आपको अगर जानने का इच्छा है कि महारथ किसको बोले जाते हैं, इसका इंफॉर्मेशन हमारे पास है, महाभारत से सारे सारे चुन चुन के इधर है। एकाकी अकेला 10,000 धनुर्धर वीरों के साथ युद्ध करे अकेला, और अस्त्र शास्त्र में जो प्रवीण है ये महारथ का है, इसको महारथ कहलाया जाता है। और जो वीर अकेला असंख्य सैन्यों के साथ युद्ध करे, असंख्य सैन्यों के साथ अनगिनत, इसका नाम अतिरथ, अतिरथ। आज जो वीर अकेला एक आदमी से आज युद्ध करे, इसको रोथी बोला जाता है, एक वीरों के साथ अकेला रहे लड़ाई करे, ये रथी है। और इससे कमजोरी जो है इस आधारथ वाले अर्थात अर्धरथी, इसको जानकारी आपका फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन को बोलना पड़ा। जो भी है तो ये इसमें विशेष कुछ है, ये बोलने का क्या जरूरी है, गुरुजी खोत है, उसका आंखें हैं, इतना पंडित है, विज्ञ है और इतना बड़ा योद्धा है, तो तेरे बोलने का क्या दरकार है। ये सब बोलने का पीछे सर राजनीति है। अस्माकं तु विशिष्टा जे तान निबोधो द्विजोत्तम नायका ममो सैन्यस्य संज्ञार्थम, आपको जानकारी के लिए तानो बब्रिमीते, आपको कह रहा हूं मैं, ये तेरा कहने का क्या मतलब है। पहले दुर्योधन चिंता कर रहा, पहले दुर्योधन का ये विचार था कि 18 अक्षयणी सैन्यों को ले लिया, अरे हमसे कौन लड़ाई करे, हम तो हम ही है। फिर बाद में जब आया, जब पांडवों का सैन्य बल को दर्शन किए, तो दुर्योधन सोच में पड़ गए। अब दुर्योधन का विचार है क्या, ये भी हो सकता है कि गुरुजी का अंदर में भी थोड़ा वीकनेस पैदा हो गया, गुरुजी का अंदर में भी कुछ वीकनेस पैदा हो गया होगा। ये तो सामने खड़ा हुआ है सारे सारे योद्धा जो है, तो इसलिए मैं थोड़ा जाके उसका भय को एनो हटाने का कोशिश करें। ये एक किस्म का एडासिटी है, धृष्टता,
इतना हिम्मत है उसका, देखो अपना अंतर का भय को छुपाने के लिए सपक्षीय समर कुशल प्रधान प्रधान वीरों का नाम उल्लेख करके बोलने के लिए गया। इसका मतलब है आप चिंतन मत करो, आप देख रहे हो कि पंच पांडवों का पक्ष लेकर इतना सारे बड़ा बड़ा विद्वान बुद्धिमान योद्धा, अरे हमारा पक्ष में भी कम नहीं है गुरुजी, हमारा पक्ष में भी कम नहीं है विद्या बल बुद्धि पावर, ये कम कहाँ है, सर्वश्रेष्ठ असंख्य सेना हमारा सस है, तब चिंता क्या काय बात का। ये दुर्योधन का ये बड़ा कूटनीति है, पांडवों के ऊपर आपका स्नेह विचार हो सकता है गुरुजी का, स्नेह वश तो युद्ध करेगा कि नहीं करेगा, या बीच में थोड़ा हृदय दुर्बल आ गया ये भी हो सकता है, तो हम जाके थोड़ा हौसला भरा ऐसा कुछ इनपुट दे दे कि गुरुजी का थोड़ा हिम्मत बढ़े, ये बढ़ाने के लिए। और ब्राह्मण द्विजोत्तम में बोलने का तो हमने पहले ही बता दिया, क्योंकि दुर्योधन का अंदर में संशय पैदा हुआ, ये आजन्म जन्म से लेकर पंच पांडव धार्मिक है, और भगवान परात्पर अखिलेश्वर कृष्ण जो है धर्म मूलम ही विष्णु, धर्म का मूल तो विष्णु है, भगवान है धर्म का पक्ष में, और भगवान जिसका पक्ष में वो उसको क्या कुछ कर सकता है। और अगर गुरुजी का मन में थोड़ा वीकनेस आ गया, स्नेह आ गया, तो युद्ध तो अच्छा नहीं हो पाएगा, युद्ध छोड़ के भगना भी क्या क्या कुछ कह नहीं जाए, कुछ कहा नहीं जाए, छोड़ भी सकता, ये ऐसा संशय लेके दुर्योधन राजनीति करने के लिए अर्थात कूटनीति करके लिए धीरे धीरे पहुंचा। और आज इस श्लोक तक हम समाप्त करने का इच्छा, क्योंकि आपको विचार बनाना है कि कैसे कैसे समझ समझ के धीरे धीरे हजम करके जाना है। ये दुर्योधन बता रहा है कि देखो भवानो भीष्मश्चो कर्णश्चो कृपश्चो समधिंजयो असत्थमा विकर्णश्चो सोम दत्तीर जयद्रथ अन्य च बहव सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्रो प्रहारण सर्वे युद्धो विशारदा। इसमें साफा है मीनिंग, इसका जो माने हैं साफा है, भवान आप जो है, भवान मतलब संस्कृत में एक सम्मान, एक पदवी, भवान आप, भवान मतलब आप सम्मान देके कह रहे कि भवान, भवान भीष्मोच्च, आप जो भीष्मो हैं, भीष्मोच्च कर्ण भी है, आप तो है ही है, भीष्मो हैं कर्ण हैं कृपोश्च है ना समतीन जो अश्वत्थामा, कृपस्य कृप भीष्मो कर्णो समितिंजय समर विजयी समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च असोमदत्तिर जयद्रथ, सब ये सब है, ये सब आपका सामने खड़ा हुआ है पूरा। और हमारा जो सिंधु राज्य जयद्रथ जो है वो भी है, तो आप चिंता ना करें, हमारा पक्ष में हम भी कम नहीं है, किसी से कम नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है। द्रोणाचार्य जो इसको खुद कह रहे हैं, उसका बात भीष्मदेव कर्णो कृपो मतलब ये जो द्रोणाचार्यों का जो पत्नी है इसका भाई शायद कृपो अश्वत्थामा द्रोणाचार्यों का लड़का है, विकर्णो ये तो ये सब है उपस्थित, सोमदत्त सारे भूरिश्रवा ये सब अस्त्र शस्त्रों संचालन में बड़ा पावरफुल है, बड़ा कामयाब है,
आप चिंता ना करें, हमारा पक्ष में भी बहुत सारे है। भवान भीम भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजयः अश्वत्थमा विकर्णश्च सोमदत्तिर जयद्रथः अन्ये च बहवः सूरः मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्रोपहरणा सर्वे युद्धो महारथा। ये बोल के गुरु जी का साथ ये बात कर रहे हैं, जैसे कि गुरु जी का हिम्मत बढ़ जाए, इतना ऐसा करके समझा रहा है गुरु जी को। हमारा बल भी कम नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है, ऐसा बोल के विचार कर रहा है। जो भी है, अब इस तक विचार को समाप्त करें। आज वांछा कल्पतरुष्य कृपासिंधु व्यवच्छ पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।